Assalamu Alaikum. Wa Alaikum Assalam. तुम बाकी कहानी सुनने के लिए काफी बेसब्र लग रहे हो। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था अब्बू। ठीक है, मैं तुम्हें बाकी कहानी सुनाऊंगा। अब गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपने भाई बेन्यामिन से मुलाकात। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के सारे अनाज गोदामों की जिम्मेदारी सौंपी गई। 7 अच्छे सालों के दौरान पैगंबर ने फसल की अच्छी देखरेख की, जुताई का ख्याल रखा और फसलों को गोदाम में अच्छे से रखवाया। पैगंबर ने इन सालों के दरमियान जरूरत का अनाज जमा कर लिया और जैसा कि पैगंबर ने पहले ही बताया था, सूखा पड़ा और पूरे मुल्क में फैल गया। पत्तियां पीली पड़ने लगीं और पानी की एक बूंद तक आसमान से नहीं गिरी, लेकिन मिस्र में कोई भी भूखा नहीं मरा क्योंकि पैगंबर ने पहले से ही बुरे दिनों के लिए अनाज महफूज कर लिया था। तुमने सही कहा था यूसुफ, बादशाह ने पैगंबर से कहा, अगर आज हमारे लोग परेशान नहीं हैं, तो उसकी वजह तुम हो। हमारे सारे पड़ोसी हमसे मदद मांग रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। अल्लाह ने हमें बचा लिया, पैगंबर ने जवाब दिया। हमारे पास जरूरत से ज्यादा अनाज है, मुझे लगता है हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। हम उन्हें कम कीमत में अनाज दे सकते हैं जिससे काफी जानें बच सकेंगी। मुझे भी यही लगता है, बादशाह ने कहा। फिर उसने जरूरतमंदों को बराबर बराबर अनाज बांटने का हुक्म दिया। इस सूखे का असर कनान में भी पड़ा। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि अनाज पूरे मिस्र में तकसीम कर दिया गया है। उन्होंने अनाज लेने के लिए अपने बेटों को मिस्र भेजने का फैसला किया, सभी बेटे सिवाय बेन्यामिन के। भाइयों ने कई दिनों तक सफर किया और आखिरकार मिस्र पहुंच गए। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन 10 भाइयों के बारे में सुना जो बहुत दूर से आए थे। जब वो अनाज लेने वहां पहुंचे तो पैगंबर ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, लेकिन भाइयों ने नहीं। वो कैसे पहचान सकते थे? उनके लिए लंबे वक्त से उनका कोई वजूद नहीं था। उन्होंने तो उन्हें सालों पहले कुएं में फेंक दिया था। पैगंबर ने उनका खैर मकदम किया और उनसे गर्मजोशी से मिले। उन्हें खाने का सामान देने के बाद उन्होंने पूछा कि वे कहां से आए हैं। हम 11 भाई हैं, हम एक नेक पैगंबर के बेटे हैं और कनान से आए हैं, उन्होंने जवाब दिया। मैं यहां सिर्फ 10 गिन सकता हूं, पैगंबर ने उनसे कहा। हमारा छोटा भाई घर पर है, वो हमारे वालिद की जरूरतों का ख्याल रख रहा है। ये सुनकर पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने वालिद और छोटे भाई से एक तवील अरसे से नहीं मिले थे। क्या आप लोग सच बोल रहे हैं? उन्होंने उनसे पूछा। भाई उलझन में पड़ गए। हमारे पास आपसे झूठ बोलने की क्या वजह होगी? उन्होंने कहा। अगर तुम लोग जो कहते हो वो सच है तो अपने छोटे भाई को लेकर आओ, मैं तुम्हें 2 गुना रसद दूंगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो दोबारा मिस्र में दाखिल होने की कोशिश मत करना, उन्होंने आगाह करते हुए कहा। भाई राजी हो गए और बोले कि उन्हें अपने वालिद की इजाजत लेनी होगी। फिर पैगंबर ने अपने नौकर से भाइयों के लाए हुए रुपयों को उन्हीं की एक बोरी में छुपाकर रखने को कहा। कई दिनों के सफर के बाद वो कनान पहुंचे। उन्होंने अपने वालिद को सलाम किया और बोले, हमें कुछ सामान देने से मना कर दिया गया क्योंकि बेन्यामिन हमारे साथ नहीं था। रसद देने वाले ने हमसे वादा किया है कि वो हमें और रसद देगा अगर आप उसे हमारे साथ आने देंगे। मेहरबानी करके उसे हमारे साथ भेज दें, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन बुजुर्ग पैगंबर ने उदासी के साथ कहा, मैं कभी बेन्यामिन को तुम लोगों के साथ सफर पर नहीं भेजूंगा। मैं ये जानने के बाद कैसे तुम पर यकीन कर सकता हूँ कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था। बाद में जब उन्होंने बोरी खोली तो वो उसके अंदर रुपयों की थैली देखकर हैरत में पड़ गए। अब्बा देखिए, उस नेक अफसर ने हमारी रकम लौटा दी,
ये इस बात का सबूत है कि वो हमारे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन बुजुर्ग पैगंबर ने फिर इनकार कर दिया। कुछ महीनों बाद जब उनके पास अनाज नहीं बचा तो पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें मिस्र जाने को कहा। हम बेन्यामीन के बिना वहां नहीं जा सकते, उनमें से एक ने कहा। उन्होंने मिस्र के अफसर की वो ताकीद याद दिलाई। बुजुर्ग पैगंबर आखिरकार राजी हो गए, लेकिन ये कसम दिलाने के बाद कि वो बेन्यामीन को महफूज वापस ले आएंगे। अल्लाह तुम्हारी इस कसम का गवाह है, उनकी रवानगी से पहले उन्होंने याद दिलाया। वो जैसे ही मिस्र के लिए निकले, पैगंबर ने उन्हें दुआएं दी और उनकी सलामती की दुआ मांगी। सारे भाई कई दिनों तक रेगिस्तान में से होकर सफर करते रहे और इस दौरान उन्होंने बेन्यामिन का भी पूरा ख्याल रखा। जब वो मिस्र पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका दिल से इस्तकबाल किया। उन्होंने उनके लिए एक दावत का इंतजाम किया और उन्हें जोड़े में बिठाया। पैगंबर अपने प्यारे भाई बेन्यामिन के बगल में बैठे। उन्होंने गौर किया कि बेन्यामिन रो रहा था। तुम रो क्यों रहे हो, उन्होंने अपने छोटे भाई से पूछा। अगर मेरे भाई यूसुफ यहाँ होते तो मैं यहाँ उनके बगल में बैठा होता, बेन्यामिन ने जवाब दिया। उस रात जब पैगंबर और बेन्यामिन अकेले एक कमरे में थे तो पैगंबर ने अपने भाई से पूछा, क्या तुम मुझे अपना भाई बनाना पसंद करोगे? लेकिन बेन्यामिन ने इज्जत से जवाब दिया कि वो एक कमाल के इंसान के तौर पर उनकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन वो अपने भाई की जगह किसी और को नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद पैगंबर का दिल पसीज गया और वो बोले, बेन्यामिन, मैं ही तुम्हारा खोया हुआ भाई हूं। किस्मत ने इतने सालों बाद हमें फिर मिला दिया। ये सुनकर बेन्यामिन खुशी से फूला नहीं समाया। गौर से सुनो, इस बात को हमें कुछ वक्त के लिए राजी रखना होगा, पैगंबर ने कहा। बेन्यामिन राजी हो गया और पैगंबर के गले लग गया। वो खुशी के मारे रोने लगे। अगले दिन जब सारे भाई ऊंटों की पीठ पर अनाज की बोरियां लाद रहे थे, तब पैगंबर ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि वो चुपचाप एक सोने का बर्तन बेन्यामिन के ऊंट की जीन में डाल दे। जब भाई रवानगी के लिए तैयार हुए तो सिपाही वहां दौड़ते हुए आए। रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ, तुम चोर हो, सिपाहियों ने चीखते हुए कहा। जब लोगों ने यह बात सुनी तो वो भाइयों के इर्द गिर्द जमा हो गए। आप लोगों का क्या गुम हो गया है, उलझन में पड़े भाइयों ने पूछा। बादशाह का सोने का प्याला, सिपाही ने कहा। हम यहाँ चोरी करने नहीं आए, एक और भाई ने कहा। पैगंबर ने पहले ही एक सिपाही को भाइयों से ये सवाल पूछने के लिए कह दिया था। चोर को तुम क्या सजा दोगे? हमारे कानून के मुताबिक जो भी चोरी करता है वो सामान के मालिक का गुलाम हो जाता है, एक भाई ने जवाब दिया। मिस्र के कानून के बजाय हम तुम्हारा ही कानून लागू करेंगे, सिपाहियों ने कहा। वो एक एक करके सबकी तलाशी लेने लगे। जब वो बेन्यामिन के पास पहुंचे, उन्होंने बादशाह का वो सोने का प्याला बरामद कर लिया। भाई हैरान रह गए। उन्हें अपने वालिद का ख्याल आया और उस कसम का जो उन्होंने दिलाई थी। वो पैगंबर से रहम की मिन्नतें करने लगे। यूसुफ, इसकी जगह हम में से एक को ले लो, वो गिड़गिड़ाए। मैं वाकई जानना चाहता हूँ कि पैगंबर के साथ क्या हुआ। ये मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगा। बताइए ना, फिर क्या हुआ? फिक्र मत करो मेरे बच्चे, अभी बहुत देर हो रही है, मैं तुम्हें बाकी कहानी कल सुनाऊंगा पक्का। अरे नहीं। अब क्या मैं तुमसे कहानी के मुताबिक कुछ सवाल पूछूं? क्यों नहीं, पूछिए अब्बू। ठीक है, अब मुझे बताओ, रिहाई के बाद पैगंबर के साथ क्या हुआ? पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अनाज गोदामों की जिम्मेदारी दी गई। फिर क्या हुआ? 7 अच्छे सालों के दौरान पैगंबर ने फसल, जुताई और अनाज इकट्ठा करने का काम किया और इसके चलते बुरे समय के लिए बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया। और फिर जैसा कि पैगंबर ने कहा था, अकाल आया और पूरे देश में सूखा फैल गया। क्या मिस्र में भूख से कोई मौत का शिकार हुआ?
नहीं, मिस्र में किसी की भूख से मौत नहीं हुई, क्योंकि पैगंबर ने बुरे वक्त के लिए बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया था। माशाल्लाह, ये सही जवाब है। अब मुझे बताओ, भाई मिस्र क्यों आए? सूखा कनान तक फैल गया था। पैगंबर याकूब को पता चला कि मिस्र में अनाज बांटा जा रहा है, तो उन्होंने अपने बेटों को अनाज लाने भेजा। फिर एक बार सही। क्या भाइयों ने वाकई बादशाह का सोने का प्याला चुराया था? उन्होंने नहीं किया। पैगंबर ने अपने नौकर को पहले से ही हुक्म दिया था कि बेनियामिन के झोले में प्याला रख दे। ऐसा उन्होंने किया बेनियामिन को महल में रखने के लिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। शब्बा खैर बेटा। शब्बा खैर अबू।